नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर, जहां पर हम ऑटो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जैसे सेल्फ अल्टरनेटर और वायरिंग की प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन के बारे में समझते हैं। तो आज का विषय है सेल्फ के आर्मेचर की एक कॉमन प्रॉब्लम जो कि अक्सर सेल्फ में पानी लगने के कारण आ जाती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यह चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए ही बनाया गया है। आपका पैसा और आपका समय बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आप अपना सपोर्ट इस चैनल के साथ बनाए रखें, और अगर चैनल पर आप नए हों तो कृपया सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, लुकास का आर्मेचर है और आर्मेचर का कमेंटेटर की एक स्लॉट पूरी तरह से जली हुई दिख रही है आपको, ये देखिए। और फील्ड के कार्बन जो है वो सही हैं, ये देखिए, फील्ड के कार्बन सही हैं, लेकिन लॉकर के कार्बन जले हुए हैं। और इसका सॉल्डर भी निकल गया है, ये देखिए, सॉल्डर निकला हुआ है। और कार्बन, दोनों कार्बन, फ्रंट और सेंटर वाला जो ग्राउंड के कार्बन रहते हैं, ये भी जला हुआ है। और ये जलने का कारण सिर्फ पानी लग गया था उस वजह से। तो चलिए इसको सही करते हैं। आर्मेचर को हम लेथ मशीन पर ले आए हैं। ये लेथ मशीन दोस्तों, यहाँ पे क्रैंक की पॉलिश होती है, जो इंजन में क्रैंक लगती है उसकी पॉलिश होती है। एक लेथ मशीन होती है जिसमें स्क्रैच करके पेपर पॉलिश की जाती है, लेकिन इस मशीन में स्क्रैच नहीं करते हैं, यहाँ पे ग्राइंड करते हैं, जिसकी वजह से कमेंटेटर बिल्कुल आपका ओरिजिनल जैसा हो जाता है। हमको सिर्फ ये जाके बोलना है कि आर्मेचर के कमेंटेटर पर पेपर पॉलिश कर दें। ये देखिए, इसकी पॉलिश हो रही है दोस्तों। जो स्क्रैच करती है उस लेथ मशीन पर आप ना ले जाएं, वरना आपका कमेंटेटर पूरा उखड़ सकता है। ये देखिए, एक 5 मिनट का काम है, मैंने भैया को 50 रुपये दिए हैं, और 50 रुपये में देखिए हमारा आर्मेचर पूरा नया हो जाता है। ये देखिए, इतनी देर में हमारा काम हो चुका है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, आर्मेचर हमारा पूरा फ्रेश हो चुका है। अब इस आर्मेचर को हम सेल्फ में लगा के देखते हैं। ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश हो चुका है दोस्तों। अगर आपके सेल्फ में भी ऐसी समस्या आती है, और अगर मैकेनिक आपको बोले कि आर्मेचर नया डालना पड़ेगा या रिवाइंडिंग करना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल भी उसकी बात पर विश्वास ना करें और आर्मेचर ग्राइंड करवा लें। आपका सेल्फ पहले की तरह बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। ये देखिए, मैं ये कार्बन भी चलने लग गए हैं और मैंने सॉल्डर भी कर दिया है। अब इसको फिट कर देते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, हम 50 रुपये में अपना आर्मेचर ग्राइंड करवा कर सेल्फ पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और यही काम अगर हम मैकेनिक से करवाएंगे तो वह कितने पैसे लेगा, ये आप भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी आपको इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी, इसलिए अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो के साथ में, ऐसी ही नई जानकारी के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।